तो दोस्तों गुड आफ्टरनून। अब क्या कर रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आ जाएगा इसमें, बेहतरीन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल फॉलोज द ट्रेजेक्ट्री विथ पोजिशन वैक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये पोजिशन वैक्टर है आर, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से जो पोजिशन हम ट्रेस करते हैं पार्टिकल की, वो वैक्टर आर है, और ये टाइम का फंक्शन है टी क्यूब आई कैप प्लस टू टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी के कैप। ये जो आई जे के है ना, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, ये अभी बताऊंगा, बस इतना समझ लो। ये दिखाता है कि जो वेक्टर आर है वो एक्स डायरेक्शन में, उसका कंपोनेंट ये वाई में और वो जेड में। तो टी क्यूब गया है एक्स में, टू टी स्क्वायर वाई में, और टी गया है जेड में। तो बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी निकालो टी इक्वल टू टू सेकेंड पे। तो मैंने बताया था आपको वेलोसिटी होता है डी वेक्टर आर बाई डी टी, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट से मिलता है, और डी आर जब हम करते हैं दो पोजिशन वेक्टर का डिफरेंस जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डी आर बाई डी टी करो, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो आप, सिंपल डिफ्रेंशिएशन करना है, आई जे के को सेम वैसे ही रख देना है। तो करो आप डिफ्रेंशिएशन, क्या आ जाएगा, थ्री टी स्क्वायर आई कैप प्लस फोर टी जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा, टी का तो वन हो जाएगा। एक्स की पावर एन का करते थे ना, वैसे ही टी की पावर एन का करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल है, अब टी इक्वल टू टू सेकेंड बोला है तो दो रख दो वहाँ पे, फोर थ्री जै ट्वेल्व हो गया, एट हो गया और वन हो गया। तो अब आप क्या करो, ये वेलोसिटी आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये जो वेक्टर है बारह आई कैप आठ जे कैप और एक के कैप, ये आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब क्या करो, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने बताया था एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग जाना है, तो आपको पोजिशन वैक्टर नहीं लेना है, मॉड ऑफ पोजिशन वैक्टर निकाल लेना है। मतलब किसी भी इंस्टेंट पर जो पोजिशन वैक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर होती है, तो हमें मैग्नीट्यूड देखना है पहले। तो कर दो आप ये, किसी भी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कंपोनेंट्स के स्क्वायर का जो समेसन है उसका अंडर रूट होता है। तो टी की पावर सिक्स और ये हो जाएगा फोर टी टू दी पावर फोर, और ये टी स्क्वायर, इसका रूट कर देंगे। अब क्या करना है ना, जो डी आर बाई डी टी है इस वाले में इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो इसमें जो डी आर है ये खाली मैग्नीट्यूड है आर का, तो स्केलर है, यानी कि डी आर इसमें जो चेंज बता रहा है वो आर्क की फॉर्म में आएगा, तो वो डिस्टेंस होगी। तो डी ऑफ डिस्टेंस बाई डी टी हम कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी, क्योंकि उस इंस्टेंट पे देख रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो आप करो डिफ्रेंसिएसन, इस पर चेन रूल लगेगा, क्योंकि ये बन रहा है एक फंक्शन, ये फंक्शन है, तो चेन रूल कहता है डी बाई डी टी ऑफ फंक्शन की पावर एन इक्वल टू एन फंक्शन टू दी पावर एन माइनस वन, फिर फंक्शन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये एक फंक्शन है, अंदर मान लो इसे f, f की पावर 1 बाई टू, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई टू f की पावर माइनस 1 बाई टू, तो 1 बाई टू रूट f आ गया नीचे, और फिर f का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे इस अंदर वाले का, तो 6 टू टी टू दी पावर 5 16 टी क्यूब प्लस 2 टी, ये आ गया। अब इसमें t की वैल्यू रख दो 2, क्योंकि t की वैल्यू 2 रखोगे तो यह आ गया ऐसे, मतलब वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करा तो 14.1 मीटर पर सेकेंड आ रहा था। और यहाँ से आप करोगे वही, देखो जो उस वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो आ रहा है कितना, 14.4568। तो यहाँ से आप देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है 14.1 आ रही है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा अलग आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इस फंक्शन की डिग्री जो है क्यूबिक और 3D फंक्शन है। तो जितना फंक्शन आपका हायर डिग्री में जाएगा तो उतना डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में यही अंतर है कि हम डिस्टेंस को देख रहे हैं वहाँ इसे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को। तो जितना फंक्शन में फ्लक्चुएशन बढ़ेंगे या 3D नेचर उसका बढ़ेगा, उतना फ्लक्चुएशन आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में और अप्रॉक्स इंस्टेंटेनियस स्पीड में, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होती है, और जो स्पीड होती है वो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग होती है। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को इसने क्लियर करा, और कहीं अगर आप इसी तरह से करना इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व, जो वेलोसिटी है उसके लिए तो सिंपल आपको पोजिशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करना है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए उसके मैग्नीट्यूड को करना। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो थैंक यू और बाय दोस्तों।